मैं जिस चोर के बारे में बात कर रहा हूं उसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म धूम 4 से जुड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, इंडियन सिनेमा की मोस्ट अवेटेड एक्शन फिल्म धूम का चौथा पार्ट यानी धूम 4 बनने जा रही है और इस बार फिल्म में कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों फिल्म को 2015 में अनाउंस करने के बाद इसे पोस्टपोन कर दिया गया था, साथ ही फिल्म की स्टार कास्ट क्या होने वाली है और कब तक ये फिल्म रिलीज होगी, तो आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, तो फाइनली धूम 4 बनने जा रही है और इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। साथ ही जब से फिल्म धूम 4 को लेकर खबर आई है तब से फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें, साल 2015 में सलमान खान और रणवीर सिंह को फिल्म के लिए फाइनल कर दिया गया था और साथ ही फिल्म को धूम रीलोडेड के नाम से बनाने वाले थे, लेकिन उस समय अभिषेक बच्चन ने धूम सीरीज में काम करने से इनकार कर दिया था और उनका कहना था धूम सीरीज में हीरो से ज्यादा विलेन को पसंद किया जाता है। बस यही कारण था कि अभिषेक बच्चन ने फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब खबरें आ रही की फिल्म का निर्माता आदित्य चोपड़ा अब फिर धूम 4 को लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको नए विलेन, नए हीरो और बिल्कुल नई स्टोरी के साथ ये फिल्म आने वाली है। इसी के साथ अपडेट निकल कर आ रही है कि धूम 4 बड़े लेवल पर बनने जा रही है, जिसमें हॉलीवुड लेवल के ग्राफिक्स के साथ साथ मल्टी स्टार कास्ट भी देखने को मिलेगी और ये फिल्म एक मेगा बजट फिल्म होने वाली है। अब बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की, तो आपको बता दें, फिल्म में सलमान खान, जॉन अब्राहम, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, फिल्म का सुपरहिट होना तो तय है, क्योंकि फिल्म में बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन सितारे एक साथ एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं। इसी के साथ एक और अपडेट निकल कर आ रही है कि यशराज फिल्म ने अक्षय कुमार को धूम 4 में विलेन के लिए कास्ट कर लिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म की अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन कुछ खबरों की माने तो धूम 4 जल्द ही देखने को मिल सकती है। बात करें फिल्म के रिलीज की तारीख की, तो आपको बता दें, अगर फिल्म का शूट इसी साल शुरू होता है तो ये फिल्म 2024 तक रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों, आप अक्षय कुमार को विलेन के रोल में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल अनकट सिनेमा को सब्सक्राइब करना न भूलें।